क्वेश्चन नंबर 65 है आपके सामने। इसमें क्या दिया है कि टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ वाटर टैंक इन 20 मिनट्स एंड 24 मिनट। देखिए, ए पाइप है वो 20 मिनट में भर सकता है, बी है वो 24 मिनट में भर सकता है, एंड थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी, रेट दिया है 3 गैलन पर मिनट। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ ए बी सी आर ओपन टुगेदर द पाइप फिल इन 15 मिनट। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों एक साथ लगे रहते हैं तो 15 मिनट लग रहा है। ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं अपन एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 5 3 15 होते हैं, ठीक है, 5 4 20 होते हैं, और 3 4 12 2 24 होते हैं। ठीक है, ये आ गया अपना एलसीएम। अब निकालते हैं एफिशिएंसी। तो ये 5 4 20 बचा 3 2 6, 3 4 12 2 24 बचा 5, और ये 5 3 15 बचा 8। ये आ गई तीनों की एफिशिएंसी। यहाँ से अपन सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सी की एफिशिएंसी कैसे निकल आएगी, इसमें से ए प्लस बी को माइनस कर दो, मतलब 8 - 11 करना पड़ेगा अपन को। ए प्लस बी की 11 हो रही है ना, 6 + 5 = 11। तो अपने पास सी की कितनी आ गई, सी की आ गई -3। सी की आ गई -3। तो सी को कितना टाइम लगेगा टैंक को खाली करने में, क्योंकि अपन को निकालनी है कैपेसिटी को। कैपेसिटी के लिए अपन को चाहिए पड़ेगा सी एक मिनट में कितना पानी भर रहा है। ठीक है, तो सी की अपन निकालते हैं टोटल पानी कितना भर रहा है, 5 4 3 2 ये डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, 3 से 3 कट गया, ये कितना आ गया, 5 4 20 2 40। 40 मिनट लगेंगे सी को पानी को खाली करने में, पूरा पानी अगर भरा हो तो। अच्छा, सी एक मिनट में कितना खाली कर रहा है, 3 गैलन, तो 40 मिनट में कर देगा कितना, 40 × 3 मतलब 120 गैलन। ठीक है, यही अपन से पूछा था पाइप की कैपेसिटी क्या है, टैंक की कैपेसिटी क्या है, अपन ने बता दी 120 गैलन है। ठीक है।